हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में और यहाँ आके हमारा ऑलरेडी प्रायोरिटी चेक इन था, तो इसलिए हम लोगों ने जाके बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और फिर लगेज ड्रॉप किया और उसके बाद चेक इन भी हो गया। हम लोग अभी फूड कोर्ट में आके बैठे हुए हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, पेप्सी ऑर्डर किया हुआ है। अभी हम लोग वैसे आ गए थे यहाँ पर 10:30 और मॉल से, और फिर अभी हुआ है टाइम 1:36। हमारा फ्लाइट है 6:15 सुबह का। देखते हैं कितना सो पाते हैं, कितना कैसा है। पर बैठे बैठे वेटिंग एरिया में बैठे बैठे हम लोग थोड़ा सा सोए, बैठे बैठे सोए। उसके बाद अभी हम लोग ने फ्लाइट बोर्ड कर लिया है स्पाइस जेट। अब यहाँ पर बैठ के हम लोग को आराम से सोना है। जिनका प्रायोरिटी चेक इन होता है उनका लगेज सबसे लास्ट में रखा जाता है फ्लाइट के अंदर, ताकि पहले उठाया जाए और बेल्ट में पहले मिल जाए। हाय गाइस, वेलकम टू बैंगलोर। लेकिन ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फ्लाइट से हम लोग दिल्ली से बैंगलोर आए हैं। बैंगलोर आके हम लोगों ने फिर एक छोटा सा रूम लिया, क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे, तो थोड़ी देर सोने के लिए, आराम करने के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए मॉल में यहाँ पास में, और उसके बाद हम लोगों ने जो रूम है ना वो हमारे रेलवे स्टेशन के पास में लिया है। एयरपोर्ट से हम लोग ट्रैवल किए थे रेलवे स्टेशन तक, तो फिर उसके बाद मॉल से आके अपना लगेज उठाएंगे यहाँ से और फिर हम रेलवे स्टेशन जाएंगे बैंगलोर, और फिर वहाँ से हमारा ट्रेन है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। हम लोग वैसे तो मेट्रो कार्ड यूज़ होता है मेट्रो स्टेशन में, लेकिन हम लोग ने टोकन लिया है वन टाइम यूज़ के लिए, तो ये यहाँ पर अभी स्कैन कराएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन एक ही स्टेशन का है, तो फिर लास्ट में जाके हम लोग वहाँ पर ड्रॉप कर दे रहे हैं। थाली में मिला हुआ है। दोस्तों, ये है बैंगलोर कन्याकुमारी एक्सप्रेस। अभी हम लोग बैंगलोर मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ये वाला ट्रेन लेके अभी हम लोग चले जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं केरला। अभी हम लोग तिरुवल्ला रेलवे स्टेशन में हैं। रोशन, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, यहाँ आके गर्मी लग रही है। वहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड है, बैंगलोर में ठीक था मौसम, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। हाँ।
दोस्तों हम लोगों ने तिरुवल्ला में एक एयरबीएनबी लिया हुआ है, तो ये है रूम एक दिन के लिए, ये है रूम और फिर वॉशरूम। हमारे जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं ना, जो लोग साउथ इंडिया नहीं आए कभी, और जो साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं जो लोग नॉर्थ इंडिया नहीं गए कभी, वो लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हो रहा है मौसम इंडिया में ही, एक जगह से दूसरे जगह कैसा मौसम का चेंज है, लाइफस्टाइल का चेंज है, रहन सहन का, खाना पानी सब कुछ किस तरह से चेंज हो रहा है। और कहीं कहीं जब नॉर्थ इंडिया में हम लोग घूम रहे थे तो ऐसे पूरा ढक के घूम रहे थे क्योंकि ताकि हवा ना घुसे कान नाक वगैरह में, और कहीं कहीं मौसम जैसे बैंगलोर वगैरह पहुँचे तो इतना अच्छा था, और यहाँ पर आते ही इतनी गर्मी है कि हम लोग तो अभी एसी फैन दोनों चला के बैठना पड़ रहा है। दोस्तों हम लोग रेडी हो गए, अभी बाहर निकले हैं कुछ काम से,